अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ईद स्पेशल मेन्यू लेकर आई हूँ और अब ये रेसिपीज ट्राई कीजिएगा तो देखिएगा कि मेहमान आपकी तारीफ़ करे बिना रह ही नहीं सकते। तो आज जो सबसे पहली रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी, बहुत मज़ेदार चिकन रेशमी पनीर मलाई है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेशमी पनीर है, इसमें मैंने एक कप ऑयल ले लिया है। ऑयल इसमें ज़्यादा डलता है क्योंकि इसके अंदर ना टमाटर यूज़ होते हैं ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्याज होता है, बस एक अदद प्याज डलता है। तो ये जो ऑयल होता है इसमें ये कुकिंग होती है चिकन तो बहुत मज़े की बनती है। इसमें मैंने एक कप ऑयल ले लिया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और इसमें एक कप मैंने पानी डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें आधा किलो मैंने चिकन डाल दी है। ये जो हमने पानी है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, घी है, इसी के अंदर जो है हमने चिकन को जो अच्छी तरीके से फ्राई करना है और इसका पानी हमने खुश करना है। हाई फ्लेम पे इसको आपने कुक करना है, इसको कवर नहीं करना है वरना चिकन अपना भी पानी छोड़ देगी। और आप इस तरीके से चिकन बनाएं बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसमें मैंने एक टीस्पून जो है नमक डाल दिया है। नमक इसमें शुरू में आपने कम डालना है क्योंकि बाद में भी इसमें नमक ऐड होगा। अब ये देखें हमने इसको अच्छी तरीके से इसमें फ्राई कर लिया है और जो पानी इसमें डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसमें क्वार्टर कप हमने दूध डाल दिया है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े की है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब इसमें हम नमक डालेंगे, पहले हमने कम डाला था, अब हमने हाफ टी स्पून नमक इसमें और डाल दिया है। इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया है 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया डाल दिया है 1 टेबल स्पून और सफ़ेद मिर्च डाल दी है हमने इसमें 1 टी स्पून। आप चाहें तो मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और 1 टी स्पून मैंने इसमें जैतून का पाउडर इसमें डाल दिया है, लाल मिर्च इसमें ऐड नहीं होती है। 2 अदद हरी मिर्चें थी उनको मैंने बारीक काट के इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से कवर कर देंगे, 6 से 7 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी से गल जाए। चिकन हमारी अच्छी सी गल गई है, अब हम इसमें 1 अदद जो प्याज है वो चॉप करके डाल देंगे। प्याज को बस हमने इसमें मिक्स करना है अच्छा सा और बिल्कुल इसको सॉफ्ट कर लेना है। प्याज इसमें ज़्यादा नहीं डलती, बस 1 अदद आपने प्याज डालना है इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको मज़ीद कवर करना है ताकि प्याज हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखें प्याज अच्छी सी इसमें जो है सॉफ्ट हो गई है, मिक्स हो गई है। 4 से 5 मिनट आप इसको अच्छी तरीके से हिला लें। ऑयल इसका देखें ऊपर आ गया है, चिकन हमारी माशाल्लाह से तैयार है। अब 1 अदद शिमला मिर्च इसमें मैंने डाल दी है, लंबाई में मैंने काटी है, बारीक कटिंग में लंबाई में मैंने इसको ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून इसमें डेसिकेटेड किया है। 1/2 कप मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। क्रीम डालते हुए आप जो चूल्हे की जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर लीजिए। अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मजीद मैंने इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख दिया था ताकि हमारी शिमला मिर्च भी अच्छी से सॉफ्ट हो जाए और ये क्रीम वगैरह और जो डेसिकेटेड कोकोनट है ये भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। 5 मिनट हो गए और ये देखें मज़ेदार ज़बरदस्त हमारी चिकन रेशमी पनीर तैयार है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है और बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। अगर आप रेस्टोरेंट में ये खाएं तो ये जो मट्टी का बॉल होता है ये बिल्कुल गर्म होता है और इसके अंदर ये लोग इस चिकन को सर्व करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स घर के अंदर तो हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इस मट्टी का बॉल ले लिया है, लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में खाएं तो एक ख़ास तरीका होता है इसको सर्व करने के लिए कि ये जो मट्टी का बॉल होता है इसको बिल्कुल ये लोग हीट से गर्म कर लेते हैं, उसके ऊपर चिकन डाल देते हैं और फिर इसके ऊपर जो है पनीर के पीसेस डालते हैं तो हल्का हल्का जो पनीर है वो उसमें मेल्ट होता रहता है और इसको इंजॉय करके खाते हैं। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल लिया है, अदरक डाल दिया है और इसके ऊपर मैंने पनीर रख दिया है। आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी पनीर जो है काट के इसमें रख सकते हैं। ये देखें हल्का हल्का पनीर जो है इसमें मेल्ट हो गया है, बहुत मज़ेदार था। इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। आपके लिए बहुत ही लजीज बहुत ही मज़ेदार टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, 1/2 किलो चिकन लेनी है, 2 टेबल स्पून ऑयल है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है,
1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा रख सकते हैं। जी फ्रेंड्स, चिकन टिक्का बिरयानी के लिए सबसे पहले बॉल में मैंने चिकन डाल ली है और जितने आपको मसाले बताए थे वो सब इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ऑयल, लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, रेड फूड कलर, ये सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जी फ्रेंड्स, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया, अच्छे तरीके से इसमें मसाला लगा दिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। जी फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है, पैन के अंदर हम चिकन डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हाई फ्लेम पर इसी तरीके से 5 मिनट हम रहने देंगे और 5 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। जी फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, देखें हमें चिकन का ऐसा कलर लेके आना है जैसे टिक्कों पर होता है, तो फिर साइड चेंज कर लेंगे। ऐसा कलर आ रहा है हमारे चिकन टिक्के पर, सबकी साइड चेंज कर देंगे हम। जी फ्रेंड्स, 5 मिनट में अच्छा सा कलर आ गया चिकन पर। अब हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर 15 मिनट तक इसको कुक करेंगे। जी फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह जबरदस्त खुशबू आ रही है, चिकन हमारी गल गई है, सारा पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का दम लगाएंगे, फायर रख लें या ऐसी कोई भी प्यारी आप बीच में रख लें छोटी सी। डाल दें इसके ऊपर, 4 से 5 मिनट इसको ढक दें ताकि अच्छा सा हमारे टिक्के में स्मोकी फ्लेवर आ जाए। जी फ्रेंड, मैंने तेल डाल दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत गरम मसाले डालेंगे, 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे, प्याज चाहे आप कोरमे के लिए तैयार करें या बिरयानी के लिए, जब भी उसको आप गोल्डन करें तो इस तरीके से पहले हाथों की मदद से उसको खोल लें प्याज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और के डाल, आपकी प्याज बहुत अच्छी गोल्डन कलर की होती है। फ्राई प्याज डाल दें, प्याज को जब तक हमने फ्राई करना है तब तक ये गोल्डन ना हो जाए, उसको फिर चम्मच चलाएं इसमें ताकि हमारा प्याज बहुत ज्यादा डार्क गोल्डन ना हो जाए। हमने प्याज को गोल्डन कलर देना है, फिर से चम्मच चलाएं इसमें। जी फ्रेंड्स, हमारे प्याज का कलर गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, सूखा धनिया करेंगे। अब इसमें हम दही डाल देंगे, चार से पांच मिनट इसको भूनेंगे। ये फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, टमाटर भी अच्छे तरीके से हमारे गल गए हैं, हमने चिकन हमारी इतनी तैयार, इसको हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसके साथ चिकन के साथ मिक्स करेंगे और 5 मिनट स्लो फ्लेम पर हम मसाला और चिकन को पकने देंगे। जी फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह अच्छा सा हमारा बिरयानी मसाला तैयार है। चूल्हा बंद कर देते हैं। जी फ्रेंड्स, टिक्का बिरयानी के लिए राइस तैयार कर लेते हैं। 2 कप चावल हैं जिनको मैंने 45 मिनट से भिगो के रखा हुआ है। साबुत गरम मसाले में 3 से 4 लौंग हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं,
5 से 6 काली मिर्च है, 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है और 1 बे लीफ्स है, 3 टीस्पून हमारे पास नमक है, नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा रख सकते हैं। तेल में पानी बॉयल हो गया है, साबुत गरम मसाले डाल दें जो आपको बताए थे, नमक डाल दें, हम इसमें चावल डाल देंगे जिसमें लहर वाली नहीं, अच्छी तरह चम्मच चला दें, इसको हमने फुल कुक नहीं करना, सिर्फ हमने इसको 90% गलाना है। जी फ्रेंड्स, चावल हमारे बॉयल हो गए हैं और 90% कुक हो गए, अब इसको हम छान लेंगे। जी फ्रेंड, बिरयानी की तह लगा लेते हैं, ये बिरयानी मसाला जो हमने तैयार करके रखा था उसके ऊपर हम बॉयल राइस डाल देंगे, इसमें धनिया डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे, 4 हरी मिर्चें डाल देंगे इस तरीके से। 1 टेबलस्पून में मैंने 1/4 टीस्पून जर्दा का कलर ऐड करके मिक्स कर दिया था, अब हम ये डाल देंगे, बिस्मिल्लाह हमारे नहीं, पूरी जगह पे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 1 चम्मच घी का डाल देंगे, अब इसको हम रख देंगे, 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे और 15 मिनट इसको हम लो फ्लेम पर दम लगाएंगे। जी फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त दम आया है, जबरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह, और इसको हम डिश आउट करते हैं। जबरदस्त व्हाइट चावल भी नजर आना चाहिए, ऑरेंज चावल भी नजर आना चाहिए जो हमने कलर डाला था जर्दे का, और उसके ऊपर रेड रेड चिकन, जबरदस्त। बात है माशाल्लाह, एक एक चावल देखें कितना अच्छा खिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हमारी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार है, पूरे घर में जबरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। दाल मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, इसके लिए जो चीजें चाहिए नोट कर लें। 1/2 किलो मैंने मटन ले लिया है, 2 अदद प्याज हैं, 2 अदद टमाटर हैं, 1 कप दही, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा रख सकते हैं। ड्राई मसालों में जो चीजें चाहिए नोट कर लें, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा हमें जायफल का चाहिए, 3 अदद लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लाल मिर्च चाहिए साबुत लाल मिर्च, 1 बे लीफ और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। जी फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले जो साबुत गरम मसाले हैं इनको हम 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, जिसमें लहर वाली नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है, जैसे इसमें खुशबू आएगी हम चूल्हा बंद कर देंगे। जी फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अच्छी से खुशबू आ रही है, चूल्हा बंद कर देते हैं और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। साबुत गरम मसाले को मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया, इसको मोटा मोटा पीसना है, ये देखें बहुत ज्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। मैंने आपको बताया था 1 कप दही है, इसमें ये साबुत गरम मसाला पिसा हुआ जो हमने तैयार किया था इसमें डाल दें, इसको मिक्स कर दें। जी फ्रेंड्स, इसको हमने दही के साथ मिला के इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। पतीले में मैंने 1/2 कप तेल डाल दिया है और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, बिस्मिल्लाह हमारी रही। करेंगे मटन डाल देंगे, बिस्मिल्लाह हमारी रही, तीन से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे जब तक गोश्त का कलर ना चेंज हो जाए। जी फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, गोश्त का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
टमाटर डाल देंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर कर देंगे, तो मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इस वक्त उसमें कुकर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिना कुकर के बनाऊंगी। अब हम इसको ढक देंगे 30 से 35 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर, और गोश्त का गलने का वेट करेंगे। प्याज, टमाटर, गोश्त अपना पानी काफी छोड़ता है, इसी पानी में ये 35 से 40 मिनट तक हम गोश्त को गलाएंगे। जी फ्रेंड्स, तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं, जिसमें गोश्त पकते हुए। बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहे ताकि गोश्त हमारा लगे ना। ये फ्रेंड 5 से 6 मिनट तक हम इसको भूनेंगे हाई फ्लेम पर। ये फ्रेंड 5 से 6 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। प्याज, टमाटर अच्छी तरीके से गोश्त में मिक्स हो गया है, अच्छी सी इसकी ग्रेवी मसाला तैयार है। अब इसके अंदर हम दही और जो साबुत गरम मसाले का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। पहले फ्लेम स्लो कर देंगे। ये फ्रेंड्स, ये दही और गरम मसाले जो था उसका पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हम इसको कुक करेंगे। ये फ्रेंड्स, दही के साथ भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसको भी हमने भून लिया है। अब हम इसको 10 मिनट लो फ्लेम पर ढककर पकने देंगे। जी फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर पकते हुए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और जबरदस्त हमारी मटन कढ़ाई तैयार है। आखिर में हम धनिया, पुदीना, 4 अदद हरी मिर्च हैं डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, तो ढक के चूल्हा बंद कर देंगे। ये फ्रेंड्स, इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त हमारी मटन कढ़ाई तैयार है। बहुत ही जबरदस्त केएफसी स्टाइल चिकन फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। 8 अदद मैंने चिकन के लेग्स ले लिए हैं और इसको मैंने डीप कट लगा लिया है, देखें लंबाई की तरफ अच्छा खासा आपने इसको डीप कट लगाना है। 1 कप दही ले लिया है, 2 टेबल स्पून सिरका ले लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। चिकन फ्राई के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लें और उसके अंदर आप दही डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप हमने इसमें दही डाला है और 1.5 कप हमने इसमें पानी डालना है, नमक, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका, सबको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। जी फ्रेंड्स, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें जितने लेग पीस थे उस सबको डिप करके रख देंगे। अच्छे तरीके से इनको डिप होना चाहिए। जी फ्रेंड्स, ये देखें अच्छी तरीके से हमने इसको इसमें डिप करके रखना है और 2 घंटों के लिए इसको कवर करके रख देंगे। अगर आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए भी
कवर करेंगे मैरिनेशन के साथ तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और उतनी ही अच्छी आपकी जूसी क्रिस्पी चिकन तैयार होगी। और लेंगे उसमें हमें एक अदद अंडा चाहिए, वन थ्री कप दूध चाहिए, वन फोर टीस्पून नमक, ये तीनों चीजें हम एक बाउल में डाल के मिक्स कर देंगे। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। जी फ्रेंड्स, एक बड़े बाउल के अंदर मैंने दो कप मैदा डाल दिया है, ब्रेड क्रम्स डाल देंगे, ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, आराम से घर में बन जाते हैं। एक कप कॉर्नफ्लोर डाल दिया, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, ओरिगानो, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। फ्रेंड्स, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, जो हमने लेग पीस को डिप करके रखा हुआ था इसे लेग पीस निकाले। अच्छे तरीके से इसको आप, इसका जो पानी है इसको आप ड्राई होने दें। फिटिंग करें इसकी, मैदे में डाल दें तरीके से। इसमें कट लगाए थे, इसके अंदर भी इस तरीके से जाना चाहिए। अब इसको अंडे में डिप कर दें। अच्छे तरीके से एक दफा और इसको हम मैदे की कोटिंग करेंगे और अच्छी तरीके से दबा दबा के इसकी कोटिंग करेंगे। देखो बस कोटिंग नहीं है माशाल्लाह से। इसी तरीके से तमाम चिकन को कोट कर लेंगे बैटर में। तो मैंने अच्छी तरीके से इसके ऊपर मैंने कोटिंग कर दी है, देखें कितनी जबरदस्त माशाल्लाह इसकी कोटिंग हुई है। अब हम इसको डीप फ्राई करते हैं। कर लिए, तेल को आपने बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, इसकी मीडियम फ्लेम रखनी है। और अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम डालेंगे, चिकन डाल देंगे। बहुत ज्यादा तेल गर्म हो जाएगा तो ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी। 5 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से पकने देंगे और 5 मिनट बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसके ऊपर डाल दें राइट। ये फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसमें लगा मान रही माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और कितनी अच्छी कोटिंग है माशाल्लाह। चला बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अगर आप खाएंगे तो आपको लगेगा जिस तरीके से आप बिल्कुल बाजार की अच्छी खा रहे हैं। तो ट्राई जरूर करिएगा। तकरीबन 5 मिनट में हम इसी साइड को कुक करेंगे। फ्रेंड्स माशाल्लाह कितनी अच्छी कुक हो गई है, कितना अच्छा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त हमारा KFC स्टाइल क्रिस्पी चिकन फ्राई तैयार है, बहुत ही मजेदार,
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।